हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज से और जानेंगे यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को किन किन सब्जेक्ट्स में निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन पर ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो लाइक नोटिफिकेशन आया वो आया जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मल्टीपल जो है वैकेंसीज को निकाला है, तो हम देख लेते हैं धीरे धीरे सारी वैकेंसीज को। अगर आपको इस टाइप का इंटरफेस देखना है कि कहाँ से आता है, तो आप यहाँ पे जो वेबसाइट है JNUJaipur.ac.in/career_current पे जाके जो है आप जो है लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद जो है आपको इस टाइप का जो है ऑफिशियल इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का। तो चलिए यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सी अवर करंट ओपनिंग्स में आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जितनी भी जो वैकेंसीज है वो सब देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे करंट ओपनिंग्स जो है आप देख सकते हैं, आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज को निकाला गया है, एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी को निकाला गया है, CA सीनियर अकाउंटेंट्स की वैकेंसी को निकाला गया है, IT मैनेजर की वैकेंसी निकाला गया है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज को निकाला गया है, लॉ एंड गवर्नेंस की वैकेंसी को निकाला गया है, डायरेक्टर मीडिया एंड जर्नलिज्म, डायरेक्टर नर्सिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसके जो लास्ट डेट यहाँ मैंशन कर रखी वो 18 जुलाई 2021 है। इसके बाद लाइफ साइंस में जो पोजीशन निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, उसकी 18 जुलाई 2021 है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग में पोजीशन निकाली गई है उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई 2021 है। इसके अलावा एलाइड हेल्थ साइंसेस में भी पूरी वैकेंसीज को निकाला गया है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस में भी निकाला गया। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो चलिए हम लाइफ साइंस की वैकेंसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, जिसकी जो लास्ट डेट वो 18 जुलाई 2021 है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि अप्रूव्ड है बाय द UGC अंडर 2F ऑफ UGC Act 1956 एंड NAAC accredited। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, तो आप यहाँ पोजीशंस देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, डायरेक्टर लॉ एंड गवर्नेंस ऑब्लिक मीडिया एंड जर्नलिज्म ऑब्लिक नर्सिंग के लिए भी डायरेक्टर की वैकेंसीज को निकाला गया है। वैसे आप बात करें यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए, तो देखिए, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी वैकेंसी ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे निकाली गई है, चाहे वो आपको नॉन साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। जैसे आप देख सकते हैं, एजुकेशन लाइफ साइंसेस में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, एलाइड हेल्थ साइंसेज में फॉरेंसिक साइक, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस, ह्यूमन राइट, कंप्यूटर साइंसेस में एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग, फाइथन, तो इन सब के देखते लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी है, फार्मेकोगनोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि साइंस सब्जेक्ट एज वेल एज जो नॉन साइंस सब्जेक्ट है वो भी जो है यहाँ पे निकाले गए हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सैलरी की, तो ये आपका रहेगा एज पर UGC एंड AICTE नॉर्म्स, आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जिसमें भी नेट का एग्जाम होता है वो आप जरूर क्वालिफाई करें, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग साइंस हो। इसके अलावा अगर आपने PhD जो किया है तो आपको यहाँ पर जरूर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे जो है टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे जो है जो पूरा आपका यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा इन्फो, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन कैन आल्सो अप्लाई फॉर एमेरिटस और एडजंक्ट और गेस्ट फैकल्टी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वुड अप्लाई विद इन 7 डे अलॉन्ग विद डिटेल्ड CV और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिल्वर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स एट द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना डिटेल सीवी लेना है, उसके बाद आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स के या टेस्टिमोनियल्स के, तो वो सारा आपको लेके भेज देना है द रजिस्ट्रार जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी नियर न्यू RTO ऑफिस जयपुर आगरा बाईपास जगतपुरा जयपुर, ठीक है। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं अपना CV अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट info@jnujaipur.ac.in पर। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो बटन है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके जो है आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा जो है आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं, और अपने CV और जो आपके टेस्टिमोनियल्स है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपको सेंड करना है इस एड्रेस में, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप जो है जितने भी आपके अदर डिपार्टमेंट में हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एलाइड हेल्थ साइंस हो, सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपको बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी डिटेल वो सारा यहाँ पे आपको जो है फिल करना है, और आपको यहाँ पे अपना अपलोड योर रिज्यूम जो भी आपका है वो आपको अपना CV या रिज्यूम जो है अपलोड करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो उस एप्लीकेशन के साथ अपना CV अटैच करिए और अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके जो है आप सेंड कर सक आपको सेंड करना है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।